इस वक्त हमारे साथ अनुमंडल के दो बड़े पदाधिकारी हैं दोस्तों, इधर डीएसपी साहब हैं और एसडीएम साहब हैं। दोनों का एक साथ बहुत बहुत स्वागत सर। बताइए। धन्यवाद। बताइए सर, सुंदरनाथ धाम में सर आज का जो बैठक हुआ उसमें क्या क्या बातें हुई? ये मुख्य रूप से आगामी जो सोमवारी का पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा नेपाल और बिहार और जिला के काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, उनको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि एक दिन पूर्व 18 तारीख को इनके यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होता है और दूर से जो यात्री हैं बाबा के जल चढ़ाने के लिए वो रात्रि में ही यहाँ आ जाते हैं। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार रखा जाए, वाहनों को नियंत्रित किया जाए, यातायात प्रभावित नहीं हो, इन सभी बिंदुओं पर यहाँ माननीय हमारे यहाँ स्थानीय विधायक हैं, उनसे इस संबंध में बातचीत हुआ और हम लोग कहाँ कहाँ बल की प्रतिनियुक्ति होगी, कहाँ पदाधिकारी रहेंगे, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ आए थे। यही कार्य था आज। सर आपने जिक्र किया सावन की पूर्णिमा को लेकर, चूँकि उस दिन जो है 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं, आएंगे भी, तो ख़ास तौर पर उनमें से जो ज़्यादातर अधिकतम जो लोग हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के हैं, उन लोगों के लिए क्या सर कुछ अलग से व्यवस्था है? नहीं, मंदिर में वो लोग रात में आ जाते हैं नेपाल से, उन्हीं को वो रहते हैं तो उनको सुरक्षा देना, व्यवस्थित तरीके से रखना, उनका गाड़ी है या उनके परिवार हैं, कैसे यहाँ सुरक्षित श्रद्धालु जो आ रहे हैं रहें, इसी परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण सारी जवाबदेही क्या किनकी होगी, कौन किस प्रकार का व्यवस्था किया जाए, इन्हीं इसी परिप्रेक्ष्य में बैठक हुई थी। एक अंतिम सवाल होगा सर, ये जो आप सड़क देख रहे हैं सर, जब श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, यही बात अभी मैंने विधायक जी से भी कहा, आपसे भी कह रहा हूँ, तो ये जो दुकानें हैं सर, इसको लेकर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है इसको जी, ये जो अतिक्रमण है रोड पर, ये दुकान जो दिख रहे हैं, हम लोगों ने हम और एसडीओ साहब यहाँ के अंचलाधिकारी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं इन दुकानों को हटा देने के लिए, ये हट जाए। सब बात कुर्सा कांटा से सर हत्ता चौक से यहाँ तक आने में काफ़ी भीड़ होती है, उसके लिए कुछ सर प्रशासन कर रहे हैं? विशेष व्यवस्था के तहत बैरिकेडिंग व्यवस्था की जा रही है, हत्ता मोड़ के बाद जो आपका टावर चौक है वहीं बैरिकेडिंग की जाएगी जी। उसके बाद कोई भी 4-व्हीलर और 2-व्हीलर अंदर अलाउड नहीं होगा, गश्ती दल दिया जा रहा है, जगह जगह पे फोर्स मजिस्ट्रेट भी रहेंगे ताकि कोई भी श्रद्धालु कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। चलिए सर, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।